क्या है? चार्ज सिस्टम्स या चार्ज सिस्टम। चार्ज का हम लोग आपस में इंटरेक्शंस वगैरह ये सारी चीज देखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जो चार्ज होता है वो कैसे आता है, चार्ज क्यों आता है? जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास क्या है, ये मेटल स्फीयर है। अब मैं इस मेटल स्फीयर से अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूंगा तो बताओ इस मेटल स्फीयर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो। पॉजिटिव। ये मेटल स्फीयर कैसे चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने उस न्यूट्रल मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, और इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने से वहां पे जो भी एटम्स होंगे, मेटल स्फीयर एटम से मिलके बना है, तो एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया। तो इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से या इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से एक्चुअली चार्ज आता है। एक और चीज हम कर सकते हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और वो किसी न्यूट्रल चीज पे एब्जॉर्ब हो जाए। मान लो छोटा सा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये इस मेटल पे एब्जॉर्ब हो गया, तब भी इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है लाइफ में हम कैसे देख सकते हैं, जैसे तुमने एक कॉम्ब लिया, तुमने क्या लिया, एक कॉम्ब। ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमने घर पे किया भी होगा। और जो कॉम्ब है, अगर मैं इसको अपने ड्राई हेयर है, जो हमारे ड्राई बाल हैं उन पे अगर रब करके, उसके बाद छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़ों को, पेपर जो होता है ना, नॉर्मल पेपर, कागज जो होता है, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस को उसके पास अगर मैं ले जाऊं, तो ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट कितने लोगों ने किया है, एनीवन? ये है ना, हर्षद ने किया है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर में भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें इसमें क्या होता है, चार्ज का इंडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है, एक दूसरे के ऊपर कैसे आ जाते हैं, अपोजिटली चार्ज आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जब कॉम्ब को रब करते हैं अपने हेयर के साथ, ये मान लो कोई लड़का है, कोई बच्चा है, या कोई गर्ल है, अब उसके यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बाल होंगे, और वो जब कॉम्ब को इसमें तुम रब करोगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस हेयर से इस कॉम्ब पे ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो कॉम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो पेपर के पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रल हैं, लेकिन ये जब इसके कॉम्ब के पास आएंगे, तो चूंकि कॉम्ब जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इस पेपर को इंड्यूस करेगा, पेपर में इंडक्शन होगा चार्ज का, और थोड़ा सा इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। तो सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने, जो नेगेटिव है उसकी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस होगा पेपर के टुकड़े पे, और ये पेपर इस पे अट्रैक्ट होगा। ये कभी भी करके देख सकते हो, अभी भी करके देख सकते हो। इसको रब करना है कॉम्ब से, और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े बनाने, जैसे ही उसके पास ले जाओगे वो इसमें, सर, किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है, हमको कैसे समझेगा? ये तुम्हें याद रखना है कि हेयर जो है हमारे पास वो क्या है, वो ड्राई हेयर्स जो होते हैं, ये समझेगा नहीं, ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हेयर से कॉम्ब पे ट्रांसफर होते हैं हर बार, ये अलग अलग मटेरियल के लिए सही नहीं होता है कि सब जगह तुम इसको अप्लाई कर दो तो वो सही हो जाए, नहीं। तुम्हें पता लगाना पड़ता है कौन से मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं और कौन से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो कॉम्ब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो नहीं रिलीज करता, लेकिन जो हमारे ड्राई एयर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होकर के कॉम्ब पे चले जाते हैं। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा।
ये एक सिंपल एक हेयर के टाइम पे अपना सर अपना हेयर इज इलेक्ट्रॉन का काम करता है, और पेपर के टाइम पे कॉम्ब अपने इलेक्ट्रॉन का काम करता है वैसे। हाँ, कॉम्ब इलेक्ट्रॉन देता नहीं है क्योंकि हमने उसको टच नहीं किया ना, उसमें दूर रखा है, ये नेगेटिवली चार्ज है जीर। फिर से समझ लो, मैं बता देता हूँ। समझ गया हूँ तुम्हें क्या क्या पूछ रही हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब इसको रब करोगे ना, इसमें टच हो रहा है ना साथ में, तो रब करने से कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हेयर से, ये हेयर से जो हमारे हेयर है इनसे इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, इस कॉम्ब पे जा रहे हैं, हेयर से कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो कॉम में क्या आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसा चार्ज आएगा इस पे, बोलो, नेगेटिव चार्ज। आप पेपर के पास लाओगे ना, तो पेपर को ये इंड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, पेपर को इंड्यूस। इंडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है, जब हम किसी अपोजिटली चार्ज चीज को एक न्यूट्रल चीज के पास लाते हैं, तो न्यूट्रल चीज जो है उसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओवरऑल न्यूट्रल है वो, तो वो इस तरीके से अरेंज होते हैं जिससे कि ओवरऑल जो अट्रैक्शंस हैं वो बढ़ें। तो इस पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर शिफ्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, ये ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके इस तरीके से शिफ्ट हुए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए ये जो हमारे पास क्या कहते हैं पेपर पीसेस हैं, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे कॉम्ब की तरफ। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर चार्ज को तुम्हें नोटिस करना है तो इस एक्सपेरिमेंट से घर पे नोटिस कर सकते हो, ठीक है। तो इंडक्शन वगैरह जो चीजें हैं ये फिजिक्स के चैप्टर में और भी अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी, ज्यादा डिटेल उसका एक पढ़ने को मिल जाएगा। हमारा जो मेन फोकस है वो चार्ज को समझना है, चार्ज कैसे आता है ये समझना है। चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे जाते हैं, तब चीजें चार्ज हो जाती हैं। तब चीजें कैसी हो जाती हैं, चार्ज। दूसरा चार्ज करने का तरीका इंडक्शन। जैसे अगर मैं एक न्यूट्रल, ये हमारे पास एक हॉलो मेटल स्फीयर है, खोखला है मान लो, या सॉलिड भी चलेगा। अब मैं उसके पास एक रॉड लाता हूँ, ये रॉड मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास रॉड या मेटल रॉड है। अगर ये चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले तो ये सब कहीं कैसे थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, यूनिफॉर्मली। लेकिन जब पॉजिटिवली चार्ज इसके पास हम लाएंगे कोई भी रॉड, तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को घटाने के लिए, जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है तो हमेशा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब दुनिया में हर चीज चाहती है कि उनके बीच अट्रैक्शन बढ़े, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी, हर चीज चाहती है कि उसकी एनर्जी कम हो। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज आता है, और चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं इसलिए इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंड्यूस किया, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब चार्ज इंड्यूस हो गया तो ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड पे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आएगा और ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मास। मान लो ये मेटल का जो रॉड है ये तुम्हारे हाथ में पकड़ा है, तो तुमने तो काफी फोर्स से पकड़ा होगा, और ये मेटल स्फीयर मान लो हल्का है, तो ये मेटल स्फीयर इस तरफ चल जाएगा, ऐसे इस तरफ मूव कर देगा। तो ये कॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, कभी भी घर में यूज करके देख सकते हो। ऑलवेज यू कैन सी द थिंग्स, शुरू में एक दो बार, तीन चार बार होगा, फिर हल्का कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ड्राई एयर्स में, वो सारे के सारे उसमें चले गए। फिर थोड़ी देर बाद रिपीट करोगे तो फिर आ जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है आंखों से, बट हम उनको फील कर सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। यही सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नहीं, मेरे को अच्छा वाला मिल जाएगा। नोट करना है तो बोलो, यस आगे बढ़ा दें। तो चार्ज कितने टाइप, सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज इज देयर। टू। तो एक बार लिख लो, चार्ज कैसे आता है, सिंपलेस्ट तरीका चार्ज लाने का क्या है, तो यहां लिख देता हूं मैं, चार्ज अपीयर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एंड ऑल्सो ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज. दो तरीके से चार्ज डेवलप किया जा सकता है. एक तो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही करा दो, दूसरा क्या है कि इंडक्शन ऑफ चार्ज करा दो. तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है. टाइप ऑफ चार्जेस क्या है? एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है हमारा नेगेटिव चार्ज. दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक है हमारा नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? हमारा नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स होता है, और जो हमारा प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. ये दो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जिनके पास में अपना खुद का चार्ज है. दीज आर द स्मॉलेस्ट थिंग्स विच हैव देयर ओन चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. अब क्या होता है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है. अब जो भी चीज होगी वो इनसे मिलकर बनी होगी. मान लो एक हमारे पास, सर एक मिनट ऊपर कीजिए ना सर, लिख रहे थे. ओके अच्छा, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास जो भी मेटल पीस है या कोई भी स्फीयर है मेटलिक, उस पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा? इस पर टोटल चार्ज होगा. हेलो सर. चार्ज? हाँ बोलो बच्चे बोलो. सर एक बार इंडक्शन का मतलब बताओ ना. इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना. जैसे तुम यहां बैठे हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास बैठा है. अब तुम्हारे दोस्त ने कुछ छेड़खानी कर दी तुम्हारे साथ, तो तुमने बोला चलो भाई दोस्त है माफ कर देते हैं. लेकिन पीछे बच्चा बैठा हुआ है, उसने बोला अरे यार तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे उसने क्या कर दिया, तुम्हें इंड्यूस कर दिया कि तुम भी भाई मतलब भड़काना क्या सर? हाँ भड़काना. यस. तो ये क्या करता है, इसको भड़का देता है. तो ये भड़क गया, अभी क्या करेगा ये इसके साथ, थोड़ी नोकझोंक करेगा. वैसे तो उसने माफ कर दिया था लेकिन इसने भड़का दिया. तो ये भड़काना होता है. इंडक्शन का मतलब होता है भड़का देना, इंड्यूस कर देना. इंडक्शन कई टाइप के होते हैं अलग अलग चीजों के. तो ये भी क्या करता है, यहाँ पे चार्ज को इंड्यूस कर देता है. जो दूसरा आदमी था वो न्यूट्रल था, वो बोल रहा था कि भाई अपना तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं, अपना न्यूट्रल आदमी. लेकिन ये जैसे ही इसके पास पॉजिटिवली चार्ज कोई भी चीज लाएंगे तो ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए न्यूट्रल से इंड्यूस हो जाएगा. एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कर लेगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कर लेगा. ओवरऑल न्यूट्रल है. जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ है. ओवरऑल ये न्यूट्रल है. लेकिन इसके आने की वजह से ये क्या हो गया, इस साइड में इससे अट्रैक्शन करने लगा. दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज. अपोजिट साइड में इंड्यूस हो चुका है चार्ज. ये चीज होती है इंडक्शन. ओके थैंक यू. इतना याद रखना, बस सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती. और एक्सपेरिमेंट घर में अपने आप से कर लेना. हनीकॉम्ब वाला एक्सपेरिमेंट, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. धीरे धीरे वो भी सीखोगे आगे चल के. तो अगर तुम्हारे पास कोई कहते हैं कि बलून हो ना, तो उससे भी तुम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. बलून को अगर तुम अपने हेयर्स पे रब करोगे तो तुम्हारे हेयर्स ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे. तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें चार्ज से रिलेटेड जो तुम सीख सकते हो. यस. और इंडक्शन का जो सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है, उसका काम मतलब क्या होता है? जैसे तुम कहीं नई क्लास शुरू करते हो ना, बोलते हैं आज इंडक्शन प्रोग्राम है. सुना है ऐसा बोलते हैं ना? सुना है, सुना है. इंडक्शन सर, इंडक्शन प्रोग्राम मुझे समझा नहीं क्या है. इंडक्शन बोलते हैं ना, जैसे तुम इंडक्शन मतलब होता है एक्चुअली इंट्रोडक्शन. जैसे मैं किसी नई क्लास में गया तो बोलेंगे आज इंडक्शन होगा, तो उसमें क्या आएगा, कोई आकर के बोलेगा कि ऐसा ऐसा इस क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, इस सिलेबस ये है, इतने बजे क्लास होगी, इस दिन छुट्टी रहेगी. दैट इज कॉल्ड इंडक्शन. मतलब जैसे तुम कॉलेज में गए तो इंडक्शन होता है कि हमारे कॉलेज में कैसे पढ़ाई होगी, कब फेस्टिवल होगा, कब क्या होगा, या इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन समझ आ रहा, समझ हो गया.
एक शुरू में होता है इंडक्शन, उसमें इंट्रोडक्शन होता है सबका कि तुम यस कौन हो, टीचर कौन है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, इसमें क्या पढ़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। वैसे ही यहाँ पे भी इंडक्शन वही एक मतलब है कि वो आदमी न्यूट्रल था, लेकिन एक आदमी नया आया पॉजिटिवली चार्ज, उसके पास रॉड आई तो उसके ऊपर चार्ज का इंट्रोडक्शन हो गया, है ना, वो इंडक्शन की वजह से उस पर चार्ज आ गया। पहले वो कैसा था, कोई भी चार्ज नहीं था उस पर, न्यूट्रल, इस तरीके से समझ सकते हो। तो कई तरीके से इसको समझा जा सकता है, तो सारे तरीके उनको बताए हैं। अच्छा ये लिख लिया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट ये सॉल्व करके लिख सकते हो 16 × 10⁻¹⁹ कूलम, और या 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलम। अब नेक्स्ट लिखोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो दुनिया में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज, सारे चार्ज इनसे मिलकर बने होते हैं, इनके सिंपल मल्टीपल होते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वांटाइजेशन। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू एक सिंपल स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब यहां पे लिख देता हूं, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इफ इज इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली दोज वैल्यूज विच आर, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसकी बहुत टफ डेफिनेशन भी होती है, इसको छोड़ देते हैं, ओनली दोज वैल्यूज विच आर सिंपल मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ऑफ ए स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट वैल्यू, स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट क्वांटिटी देन दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांट का मतलब होता है पैकेट, क्वांट का मतलब क्या होता है, पैकेट होता है, ये शायद मैं एक बार समझा भी चुका हूं तुम लोग को। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी सिंपल मल्टीपल हो जाए एक छोटी क्वांटिटी का तो हम बोलेंगे कि इसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे सर, व्हाट इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब सर, डिस्क्रीट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी हो, जैसे कि जो वैल्यू चेंज ना होती हो, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू ना हो, कैसी वैल्यू ना हो, आर्बिट्री की कोई भी वैल्यू वो चीज ना लेती हो, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सिंपल वैल्यू जो उसकी चेंज ना होती है, तो ये तुमको याद रखना है कि डिस्क्रीट का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं तुमको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, एक बहुत शानदार एग्जांपल इसका समझो, क्या एग्जांपल दूं इसका, एक बार दिया भी था बॉल्स वाला, शायद तुम्हारी क्लास में किसी को दिया था, क्वांटाइजेशन का मतलब बताया था। जैसे अगर मेरे पास दो बच्चे हों और मेरे पास हों 3 चॉकलेट और वो चॉकलेट में वो पैकेट के अंदर हैं, उनको मैं खोल नहीं सकता, तो मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, कितनी चीजें हैं मेरे पास, 3 चॉकलेट्स हैं ना, लेकिन बच्चे कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, तो क्या बराबर बराबर बांट सकते हैं क्या उनको बिना खोले हुए? नहीं सर, नो, बच्चा तो बोलेगा कि मुझे पूरी चाहिए, आधी नहीं चाहिए मुझे। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक अपने पास रख सकते हैं, दोनों बच्चों को एक एक दे सकते हैं, या एक बच्चे ने बहुत शानदार काम किया है तो उसको 2 देंगे, एक को एक देंगे, मतलब हम उस चॉकलेट को हम या तो 1 दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं, 1.5 नहीं दे सकते, 1.2 नहीं दे सकते, 2.1 नहीं दे सकते। हम बोलेंगे जो चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज क्वांटाइजेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो? यस, या तो 1 पैकेट मिलेगा या 2 पैकेट मिलेंगे या 3 पैकेट मिलेंगे, 1.5 पैकेट नहीं मिल सकता, 1.2 पैकेट नहीं मिल सकता, सिंपल मतलब उसे बांट नहीं सकते।
हाँ उसमें दोगे तो पूरी वैल्यू दोगे, तो चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। किसी चीज पे चार्ज जो होगा वो एक सिंपल छोटी वैल्यू, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड का, या तो सिंपल मल्टीपल होगा, एक गुना होगा या दो गुना या तीन गुना या चार गुना, 4 टाइम्स 5 टाइम, 4.5 टाइम्स चार्ज नहीं हो सकता। तो सिंपलेस्ट जो वैल्यू चार्ज की है वो क्या है, सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस 1.6 इन टेन पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज प्लस माइनस 1 E। मिनिमम चार्ज यही पॉसिबल है दुनिया में, इससे छोटा चार्ज नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब आप कोई पूछ रहा है क्या 2E चार्ज हो सकता है क्या, बोलो बताना तुम, इज दिस प्लस 2E चार्ज पॉसिबल और नॉट, यस माइनस 2E पॉसिबल और नॉट, यस प्लस 10E पॉसिबल और नॉट? यस यस हाँ, लेकिन -17.5E पॉसिबल और नॉट? नो सर, नो। हाँ यही सिखाना है बस। ऐसे अगर बोला कोई कि नहीं मेरे पास तो 3.14 वैल्यू है पाई की, पाई के बराबर इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है क्या? नहीं अनपॉसिबल। सर, सिर्फ सिंपल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी इसको समझ में आ गया तो नोट कर लो जल्दी से। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, यहां पे लिख लो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं आ सकती, कोई भी मनमर्जी की वैल्यू नहीं ले सकते हम चार्ज की, जो भी मन में आया वो चार्ज ले लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ अ डिस्क्रीट वैल्यू। वो डिस्क्रीट वैल्यू कितनी है बताओ, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड तो उसका 1.6 इंटू पर माइनस 19 कूलम ही है, उस पे साइन प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। मतलब सर वो चेंज नहीं होगा ना? कौन ये नहीं सर, नहीं होगी। कौन सी वाली जो सबसे छोटी वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी रहेगी। सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ हाँ चार्ज जो है ये चेंज नहीं होगी, ये इतनी ही रहेगी, इससे छोटा चार्ज नहीं है कोई ना, तो ये कभी चेंज होगी। हाँ सर, वो आपने डिस्क्रिक्ट का बोला था ना, चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने एक बार इसका भी पूछ लिया कि ये भी चेंज नहीं होगा डिस्क्रिक्ट है हाँ तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है, ये उसी से आया है, इसीलिए डिस्क्रीट वर्ड यूज किया, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। ओके सर, तो ये एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, और इनसे मिला करके बहुत सारी वैल्यूज बन सकती हैं, लेकिन सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी इसकी, बोलो, सिंपल मल्टीपल। कैसी मल्टीपल? सिंपल हाँ मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है, लेकिन वो पॉइंट के फॉर्म में, डेसिमल्स में नहीं हो पाएंगे। तो ये तो तुमने चार्ज सीख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्वांटाइज्ड होता है, एंड दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चीज जो है पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हमने एक पहली चीज तुमको समझाई चार्ज क्या होता है, दूसरी चीज समझाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरी चीज लिखो कि चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शंस बिटवीन द चार्जेस, इंट्रैक्शंस बिटवीन द चार्जेस, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। लाइक चार्जेस और सेम चार्जेस, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, उसी को बोलते हैं सेम चार्जेस, रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट साइन वाले जो चार्ज होते हैं, दैट इज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तुमको पहले से आता है। जैसे मेरे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इनके बीच रिपल्सन्स होंगे, इनके बीच क्या होंगे, रिपल्सन्स, एक दूसरे को ये धक्का मारेंगे, ये बोलेगा भाग जाओ, ये बोलेगा इसको भी भाग जाओ। ऐसे अगर दोनों नेगेटिव है तब तो भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो, रिपल करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो, रिपेल नहीं होगा, अट्रैक्ट। अंदर की तरफ एरो बना दो,
अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इतनी सी बात है। तो चार्ज जो है वो एक क्वांटिटी है, वो एक टर्म है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती खुद चार्ज की। चार्ज की ऐसी डायरेक्शन नहीं होती है कि कोई बोले कि चार्ज जो है वो इधर है या ऊपर है या नीचे, नहीं, वो एक क्वांटिटी है। वो जो चार्ज होता है वो एक स्केलर चीज है, जैसे मास है ना, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। मास क्या है, रखा हुआ है, जैसे जैसे मार्ज है वैसे चार्ज है। अब एक चीज तुमको याद रखनी है, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर चार्ज है इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि उसके पास मास भी है। किसी चीज पे मास होगा तभी उस पे चार्ज आएगा। तो सर हमारी बॉडी में चार्जेस होते हैं? हाँ, चार्ज ही चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है हमारी बॉडी में। आयंस में नहीं होते होंगे ना? हमारी बॉडी में आयंस है, पोटेशियम, कोई सेल के अंदर होता है, कोई सेल के बाहर होता है। जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है ना, जो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं, उनमें ये सारे आयंस ही तो पार्ट लेते हैं। आप बोलो क्या पूछ रहे हो, कुछ लाइट पूछा में नहीं होगा ना चार्ज? इसमें लाइट, लाइट में, लाइट में चार्ज ही चार्ज है, तभी तो वो चल रही है। लाइट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करते हैं, और क्या, चार्ज की वजह से ही तो लाइट है। चार्ज नहीं होगा तो लाइट पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे मोशन करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में तो करंट बहती है इस डायरेक्शन में। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही है और ये स्यूडो चीज है करंट, इसको यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में भागते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। जैसे अगर मेरे बल्ब में, अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट है, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं चार्जेस के। तो ये सब चीजें फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी, इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, जीरो लैग के साथ लाइट। जैसे तुम यहाँ से स्विच ऑन करते हो और अगर 500 मीटर दूर भी बल्ब लगाया तो तुरंत जलता है कि नहीं? जलता है। जैसे ऑन किया वैसे ये क्या हुआ, तुरंत रोशनी फेंकने लगता है। इसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड आदमी है, ये सब समझ रहे हो, दीज आर कनेक्टेड विद अदर। जैसे ही स्विच ऑन किया ये इतनी तेज एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इतनी तेज आगे से पीछे जाते हैं, यहाँ पे सीधे लाइट पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पे जाएगा फिर लाइट आएगी, नहीं नहीं वो एक दूसरे में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होता है, फोर्स कितना होता है चार्जेस के बीच में। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम पूछोगे क्यू वन क्या है, तो मैं बता देता हूं, ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, चार्ज वन और चार्ज टू, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी स्फेरिकल है या पॉइंट चार्ज है तो सीधे इनके बीच की डिस्टेंस आर है। के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट है, एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। तो जो के की वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। तो इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। तो कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ नहीं है, ये कूलॉम्स फॉर्मूला है, ठीक है, अभी समझ में आया? तो कूलॉम्स लॉ क्या है इसको बोल देते हैं, अगर कूलम्स लॉ बोलना है क्या है। कूलम्स ये बोलता है, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी गिवन बाय के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये तो जो चार्ज है ना, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होगी। It is a vector quantity, है ना? So, sorry, नहीं समझ में आ रहा है मुझे ये चीज।
नहीं आ रहा है अभी, अभी समझना नहीं है, अभी थोड़ा करना है इसको ना फॉर्मूले को, फिर समझाता हूँ धीरे धीरे। सर हाँ सर, व्हाट इज के इन द फॉर्मूला? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब। अभी थोड़ा सा याद करो क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है ना, थोड़ा देर लगेगा समझने में इसे। कांस्टेंट भी नहीं बदलता? कांस्टेंट नहीं बदलता, नहीं नहीं ये नहीं बदलता है, ये ऐसे तुम याद रख लो कि ये एयर में और वैक्यूम में इसकी वैल्यू यही रहती है, मीडियम चेंज करने बदलती है। हम मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जितनी भी बात करेंगे वो एयर और वैक्यूम में करेंगे, के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है सर, आप Q1 और Q2 वापस समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, अभी समझा ही रहे हैं ना, अभी तुम लोग वेट करते तो धीरे धीरे, अभी खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा है जस्ट। Q1 क्या है? चार्ज वन, दो चार्ज रखे ना। Q2 क्या है? चार्ज टू। ये चार्ज वन यहाँ रखा, ये चार्ज टू यहाँ रखा। Q1 क्या है? अननोन एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q1 है। Q2 क्या है? अननोन चार्ज टू है जिसकी वैल्यू Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो जब ये चार्जेस यहाँ पे रखे हैं तो इनके बीच फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव कैसे पता करेंगे बोलो? सर चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर। अगर चार्जेस जो हैं वो सेम हैं तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। और अगर चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है, तो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। तो सिंपल है, फिर से समझ लो, एफ जो है वो क्या है? एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे चार्ज है, स्टैटिक मतलब रखे हुए, मोशन में नहीं है। स्टैटिक चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे इसको क्या बोलते हैं? कूलॉम्बिक फोर्स। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट और कोलम्बिक कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर। कोलम्ब जो है वो चार्ज की यूनिट है। कोलम्ब क्या है, हर बार लिखते हो ना सी, लिखते थे कि नहीं बार बार सी चार्ज के बाद? फिजिक्स यहाँ पे अभी लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बोलो? −1.6×10⁻⁹ लिखते हैं। सी जो है वो कूलम्ब है, क्या है ये चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ओके, अब तुम याद रखो, के पता चल गया, Q1 क्या है? चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, क्योंकि कोई भी जो चार्ज होगा वो किसी पार्टिकल पे होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि जादू जैसा कहीं से चार्ज आ गया, नहीं। देयर शुड बी सम पार्टिकल, चाहे वो कोई मेटल स्फीयर हो, चाहे वो कोई कंकड़ पत्थर हो, कुछ भी हो, किसी भी चार्ज डाल सकते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन इज इट पॉसिबल और नॉट। मेटल, मेटलिक चीजों पे चार्ज बहुत आसानी से आ जाता है। Q2 जो है वो क्या है? चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल, ये पता चल गया। और तीसरी जो चीज है वो है आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के बीच में कैसे डिस्टेंस हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? एक इतना बड़ा मैंने चार्ज लिया छोटा सा, इसको यहां रखा, एक एक मीटर दूर रखा, तो इनके बीच डिस्टेंस नहीं हुई क्या? बोलो। यस। हो गई। एक यहां रखा मैंने, एक उससे एक मीटर दूर रखा, तो एक मीटर की डिस्टेंस हुई कि नहीं हुई? यही होती है डिस्टेंस, और क्या, सिंपल डिस्टेंस है जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमसे दूर एक आदमी खड़ा है 2 मीटर दूर, तो 2 मीटर की डिस्टेंस बना के रखो, है कि नहीं सेम चीज? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, समझना नहीं है, दैट इज द फॉर्मूला गिवन बाय दिस साइंटिस्ट जिसका नाम था कूलम। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, शायद अभी नहीं पढ़ा होगा तुमने, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है वो, लेकिन उसमें मासेस आ जाते हैं। F इक्वल टू gm1m2/r2, तो वो पढ़ने को मिलेगा, तो याद करना, दोनों को सेम मिलेगा तुम्हें, फिजिक्स में पढ़ाएंगे। तो अभी तुम याद रखो कि जब दो चीजें अगर चार्ज्ड हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला किसने दिया? कूलम ने। और उस फॉर्मूले को याद रखना है, बार बार याद करो इसको, क्या है ये? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वे के इज ए कॉन्स्टेंट। के क्या है वहां पे? एक कॉन्स्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब कॉन्स्टेंट।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती, किसमें? एयर और वैक्यूम दोनों में, सेम ले लो। मीडियम चेंज करने पे ये वैल्यूज बदल जाती हैं, अभी तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हार्डकोर जब फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे वहां पे समझ में आएगा, एक्चुअली जब ये चैप्टर पढ़ना होगा। हां सर, हां बोलो सर, अगर मैं दो बल्ब को एक ही स्विच के साथ कनेक्ट कर दूं, एक बल्ब को पास रखूं और एक बल्ब को काफी ज्यादा दूर रखूं, तो ऑन करने के बाद ऐसा हो सकता है कि पहला वाला बल्ब है वो जल्दी जल जाए और बाकी दूसरा वाला देर से जले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और थ्योरेटिकली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब जब तक कि कोई जो तुम्हारा जो तुम्हारी लाइन है उसमें कोई डिले ना हो, तुम अगर सेम लाइन से उनको कनेक्ट करते हो, जैसे घर में जितनी भी चीजें होती हैं वो पैरेलल में होती हैं, सीरीज में नहीं होती हैं, सब में वोल्टेज सेम रहता है, सब में 220 वोल्टेज रहता है, घर के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो इसमें लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल पैटर्न, सब पैरेलल में लगे होते हैं एक दूसरे के, सब में वोल्टेज सेम होता है, जैसे ही तुम करंट ऑन करते हो सबको 220 वोल्टेज मिलता है और सब साथ में जलेंगे। हाँ, कभी डिले तुम्हें लगता है वो बल्ब की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, बल्ब को तो करंट मिल गई लेकिन बल्ब ऑन होने में टाइम ले रहा है, बल्ब की जो मैकेनिज्म है वो, जैसे एलईडी बल्ब होते हैं वो तेजी से जलते हैं लेकिन जो ट्यूबलाइट होती है देखे वो थोड़ी देर में जलती है, उसको करंट तो मिल गई है लेकिन वो अपना काम अभी अंदर चला रही है, अभी उसमें जो है डिस्चार्ज हो रहा है जो मरकरी फील्ड है, तो फिर वो उसके बाद वो जलना स्टार्ट करती है, तो डिले नहीं होता है, देर इज नो लैग एक्चुअली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी में कोई लैग नहीं, इधर बटन दबाई और वहां 500 किलोमीटर दूर भी अगर तुम्हारे पास कनेक्शन है तो वहां लाइट चली जाएगी तुरंत, कोई भी डिले नहीं होता उसमें। तो सर एकदम थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता इधर से, मतलब थोड़ा सा भी मतलब दूरी बढ़ा दी तो? एक ड्रैग वेलोसिटी होती है, जब तुम आगे पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, देयर इज अ ड्रैग वेलोसिटी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, देयर इज सम ड्रैग, बट चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जो वायर होता है जैसे कॉपर का वायर है, प्लेटिनम का वायर है, जो भी हमारे घरों में वायर्स यूज होते हैं ज्यादातर एल्यूमिनियम के या कॉपर वायर यूज होते हैं, तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस से क्या होता है करंट का जो है कम ज्यादा हो सकती है, वायर हीट कर सकता है लेकिन डिले नहीं होता है, डिले तुम ऐसा मान लो कि देयर इज नो लैग, देयर शुड बी सम लैग, देयर आर सम रीजंस अंदर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो कुछ माइन्यूट चीजें होती जिनकी वजह से कुछ हल्का फुल्का लैग हो सकता है, थ्योरेटिकली कोई लैग नहीं है, ठीक है, सीधे करंट पहुंचती है सीधे, इसीलिए बहुत हानिकारक होती है करंट, करंट बहुत नुकसान करती है बॉडी के लिए, इसलिए उसे दूर रहना चाहिए। हाँ बोलो, ये समझ में आ गया, लिख लिया, अभी इसको और समझाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले फॉर्मूला लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो तुम, हाँ फिर मैं समझाता हूँ तुम्हें। अच्छा, दो केसेस पॉसिबल हैं। सर एक मिनट सर, ऊपर दिखाइए सर, मैंने लिखा है बट सब चेक करना है सर, सब लिखाएंगे। ओके सर, ऊपर का हो गया, सबसे नीचे का थोड़ा सा चाहिए। ओके सर, बाद में आप ये व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे? हाँ डाल देंगे, पहले लिख के बात है, नोट कर लो, दो दो बार क्यों लिखोगे घर में, फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो, इफ चार्जेस आर सेम, मतलब उनपे अगर सेम मैग्नीट्यूड नहीं, उनपे सिर्फ जो चार्ज है वो सेम होगा तो क्या होगा, देखना ध्यान से, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है, ऐसे में बना देता हूँ, इन सेंटर से डिस्टेंस ऐसे नाप लो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई मान लो आर। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है, बताओ ये एक दूसरे को किस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, इस लाइन में जो ज्वाइन हो रहा है उसी में धक्का मारेंगे ना एक दूसरे को, दे विल पुश आउटसाइड आउटवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, बोलो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी ना, जिसमें डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन क्या हुई, आउटवर्ड अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू
चार्जेस, जैसे वो एक खेल होता है ना रस्सी वाला, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, इधर खींचते हैं इस पार्टिसिपेंट, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। हाँ टग ऑफ वॉल, उसमें बिल्कुल वैसे ये चार्ज भी कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो उधर ही उसकी डायरेक्शन जा रही है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये इस तरीके का इसमें होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। अब इसमें देखना ध्यान से, मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एफ इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इससे मैग्नीट्यूड निकलता है सिर्फ, क्या निकलता है इससे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यहां से मिल गया, डायरेक्शन यहां से मिल गई, करंट पूरा आंसर आ गया, पूरा आंसर आ गया कि नहीं। मैग्नीट्यूड यहां से मिल जाएगा तुम्हें और डायरेक्शन तो तुमने यहां पे बता दी। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए के की वैल्यू डालो, क्यू वन क्यू टू वालो आर स्क्वायर वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। अभी इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग सवाल भी करेंगे इस पे। उसके पहले इफ वन चार्ज, अच्छा अगर दोनों नेगेटिव हो तब भी सेम आएगा ना, यस और नो? यस सर, बोथ आर नेगेटिव तब भी ऐसा होगा। देखो एक नेगेटिव और ये नेगेटिव है, और दूसरा वाला चार्ज भी है पार्टिकल, वो भी नेगेटिव है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, एफ के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, इसमें मैग्नीट्यूड ही पुट कर दो, जरूरी नहीं साइन रखो, क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो डायरेक्शन है वो हम लोग देख के बताएंगे, वी विल टेल इट बाय ऑब्जर्वेशन। बताओ किधर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड अलोंग द लाइन, हाँ अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये हो गया। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें तुम्हें, ये मैग्नीट्यूड जो निकाल लोगे तो ये मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन को मिला के कंप्लीट आंसर आएगा, दैट फॉर्मूला विल गिव मैग्नीट्यूड ओनली, और ये वाला जो देगा वो डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी कितनी वैल्यू है, कितना उसका जो मैग्नीट्यूड है, और दूसरी होती है उसमें डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं, इन दोनों को मिला के हम आंसर ला पाते हैं, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा फिर एक और केस लेते हैं, इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, दैट इज अपोजिट चार्जेस, अदर इज नेगेटिव, समझते जाना ध्यान से। तो अपोजिट चार्जेस अगर होंगे तो क्या होगा उनके बीच में, अट्रैक्शन या रिपल्सन, बोलो, अट्रैक्शन। ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, बीच की डिस्टेंस आर है, फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला बदलता नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या सेम रहेगी क्या, आप क्या ये डायरेक्शन बता पाओगे किस तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सर, अलोंग द लाइन। हाँ ये अंदर की तरफ खींचेगा इसको ऐसा, इनवर्ड अलोंग द लाइन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। अच्छा एफ की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन सर, एन से लिखते हैं इसको, ठीक है न्यूटन हो जाएगी इसकी यूनिट। बाकी तुम्हें के की वैल्यू पता है, बार बार के की वैल्यू याद करते रहो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा इसकी यूनिट कैसे आई, देखो किसी चीज की भी यूनिट निकालनी हो ना, अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो इनकी यूनिट्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी यूनिट हमें निकालनी है, इसकी यूनिट हमें निकालनी है यूनिट ऑफ के इंटू चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, इस वाले चार्ज की भी यूनिट क्या होगी कूलम्ब, आर की यूनिट एम के एस में क्या होती है मीटर और उसका स्क्वायर, यहां से यूनिट ऑफ के निकल गई, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, कैसे कर दिया मैंने, यस सर। भाई अगर दो क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं तो उनकी यूनिट्स भी आपस में क्या होंगी इक्वल, इफ दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, अगर उनके पास
एक्चुअल में यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी हो कैसी भी एक्चुअली हो, सॉरी कोई भी हो, वेक्टर हो, स्केलर हो, कोई भी हो, अगर दो चीजों को मैंने इक्वल किया है, दो टर्म्स को, तो उनकी यूनिट्स भी आपस में इक्वल होंगी, तभी तो वो बराबर है। एफ की यूनिट न्यूटन होती है, के की यूनिट नहीं पता, क्यू जो है चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, दूसरा चार्ज उसकी भी यूनिट कूलम्ब है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा बीच में, नीचे आर जो है वो मीटर है, इसका स्क्वायर यूनिट ऑफ के निकाल लो यहाँ से, देखो ये यूनिट आई, तो वही हमने यहाँ पे यूज करी है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। अब जो है हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले नोट कर लो अगर कुछ बचा है इसमें से। अच्छा जिन बच्चों को शुरू में दिक्कत आई थी, अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, अभी बताओ, इतना पढ़ने के बाद में बताओ मुझे, नाउ क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हें कि अगर दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है, इसका फॉर्मूला है के क्यू वन की टू बाई आर स्क्वायर, ये याद कर लिया है, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी नोट करना है तो करो। हाँ सर एक मिनट। तो जिन बच्चों का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, जो भी इसकी रिकॉर्डिंग है उसको एक बार देख लेंगे, जहां पे छूट गया है उसको फिर से पढ़ लेंगे, बट ये चीजें आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बस इतना सा प्रॉब्लम है कि ये एक साल बाद पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, यहाँ पे वही पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्रिस्प नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है, फिजिक्स में क्या है डिटेल्ड पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो डिटेल्ड है बहुत, उसमें ये छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम लोग शॉर्ट में समझा रहे हैं तुम्हें, क्योंकि ये एक्चुअल फिजिक्स का चैप्टर है अलग, ट्वेल्थ की क्लास में पढ़ना पड़ता है, तो ट्वेल्थ की क्लास अभी तो होगी नहीं, उसके लिए 10 महीने से मिनिमम लगेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा मतलब नीचे कीजिए सर। हाँ हाँ देख लो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्यों? बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स, इसका फॉर्मूला याद कर लिया तुमने आज, क्या फॉर्मूला है? एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला रखना है तुम्हें, याद करना है इसको। और आगे चलें सर। डन? यस। यूनिट भी देख ली, अब इस पे एक सवाल करते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर वन, पहला हम करते हैं अपोजिट चार्जेस वाला, ए प्लस वन ऐसे लिख देता हूं, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ प्लस वन कूलम्ब is placed at a distance of one centimeter from another charge which has plus 2 coulomb charge. Find the electrical force, that is electrostatic force, between the charges. एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं निकालना है तुम्हें। K की वैल्यू दी हुई है, वैसे भी तुम्हें याद है। This is the value of K. तो इनको
1 सेंटीमीटर से सेपरेट करके रखा है, इतनी सेपरेशन पे इनके बीच भी क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, बोर्स मॉडल में यूज होगा, बिना इसके बोर मॉडल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी बताओ सर, 1.8 इनटू 10 रेस टू 10 न्यूटन। ओके, एक आंसर आया 1.10 रेस टू 10 या 8? 8 8 बोला कि 10 बोला? ये आंसर तुमने दिया ना। देखो भाई, आसान आंसर है इसका, सॉल्व करना भी आसान है, डायरेक्शन क्या होगी वो भी बताना है, विद डायरेक्शन बताना होता है, ठीक है, आउटवर्ड या इनवर्ड जैसे भी है वो बताना है। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये पार्टिकल एक है, ये पार्टिकल एक है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है इनको, इस वाले के ऊपर प्लस 1 कूलम चार्ज है, इस वाले के ऊपर प्लस 2 कूलम चार्ज है। एफ का वैल्यू जो है निकालना है के इंटू Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है प्लस 1 कूलम, अभी मैग्नीट्यूड में हमें लिखना है, प्लस 1 हो माइनस 1 हो उसको हटा के हमें सिर्फ लिखना है 1, इंटू 2 कूलम है तो 2। आर जो है वो वैल्यू कितनी है बीच की, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, 10^-2 मीटर। ये समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, दैट इज 10^-2 मीटर्स। तो ये यूनिट जो है सारी की सारी एसआई में रखने, तो यूनिट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर न्यूटन में आएगा। के की वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला वही लगाया है जो सिखाया था, कितना आंसर आएगा देखो। देखो तुम लोग ने ऐसे किया है, कहीं पे गलती तो नहीं करी है? अगर गलती हुई है तो उसको सही कर लो, कोई बात नहीं। तो 10^14 न्यूटन आ जाएगा आंसर, 10^14 न्यूटन। तो यहाँ पे 14 कर लो, देख लो कहाँ पे कैसे किया था। और डायरेक्शन क्या होगी, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। एक मिनट ऊपर दिखाइए। हाँ, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो उसमें वैल्यू पुट करना होता है और आंसर आ जाता है। तो कितना चार्ज है और कितना फोर्स है वो सारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज्ड पार्टिकल्स या तो आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? सर हाँ बोलो सर, 1.8 × 10^14 के जगह पे हम 18 × 10^13 नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, दोनों सही है, बट एक होता है साइंटिफिक तरीका लिखने का, तो वो ये होता है कि हम 1 पॉइंट करके लिखें, मतलब एक जो हमारा फर्स्ट हो वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड टू राइट द आंसर्स। जो ऊपर वाला आंसर है वो भी सही है। तो देखो जब विंटर का सीजन होता है ना, तो कई बार क्या होता है, अगर हम किसी लोहे की चीज को छूते हैं तो करंट लगता है, ऐसा तुम्हें कभी फील हुआ है? यस सर। हाँ वो स्टैटिक चार्ज होता है, जैसे तुम उसको एकदम टच करोगे ना तो करंट लगेगा एकदम से, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो स्टैटिक चार्ज जो है वो रहता है चीजों पे। और कई बार देखोगे जैसे रात में सोने जाते हो, तो अगर तुमने थर्मल्स पहने हैं ना, यहाँ पे तो कम यूज होते हैं, उसको निकालते हैं ना तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, देखी है सबने? Yes. ये सब चार्ज की वजह से होता है, that is all because of the static charges, जो हमारी बॉडी है और जो हमारा जो
जो कपड़ा मैंने पहना है उसमें स्टैटिक चार्ज जो है डेवलप हो जाते हैं, उनको हटाते हैं तो उनके बीच में चार्ज की वजह से हमें विजुअली दिखने को मिलता है और आवाज भी आती है. दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज से कोई करंट लगने की संभावना नहीं है बहुत, क्योंकि स्टैटिक है तो वैसे भी मोशन में नहीं है और उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है. नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर टू. अगर मैं बात करूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है, दूसरी टाइप की क्वेश्चन की, जिसमें वन चार्ज ऑफ आप देखो ये जो चार्ज है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके फॉर्म में भी रख सकते हैं और काफी टफ चीजें भी बन सकती हैं, लेकिन उसको आसान करने के लिए सिंपली अगर हम लोग अभी समझने के लिए छोटा मोटा चार्ज लें तो चलेगा. तो वन चार्ज ऑफ माइनस वन कूलम ही लेता हूं मैं, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ वन एंगस्ट्रॉम, काफी कम दूरी पे भी चार्जेस को रख सकते हैं, फ्रॉम प्लस वन कूलम चार्ज. फाइंड दी फोर्स बिटवीन द चार्जेस. चार्जेस के बीच में क्या फोर्स होते हैं. सर वो डिस्टेंस क्या बताया आपने, वन एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम क्या होता है बताओ. टेन रेस टू माइनस टेन मीटर. हाँ तो इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा जिसको वन डी ग्राफ बोलते हैं, वन डी ग्राफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो यहाँ पे तो नहीं है बट बहुत जगह फॉरेन में उसको यूज करते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह में कहीं पे ऐसे ही फन के लिए. ठीक है सर, 9 × 10⁻¹⁹. आंसर आया? यस सर. देखो आराम से, देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नई चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें समझने में, लेकिन जरूरी है हम लोग के लिए. बिना इसके कूलम बोर मॉडल को छोड़ना पड़ेगा, पढ़ नहीं पाओगे, बिकॉज बोर ने इसी सब को यूज करके अपना बनाया था. तो माइनस वन जो है ना वो मैं यहाँ पे नहीं लिखना है, मैंने तुमको बोला था ना ये मैग्नीट्यूड में निकालना है सिर्फ. अगर माइनस वन कूलम है ना तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, बिकॉज दैट विल गिव ओनली मैग्नीट्यूड. जो फोर्स है उसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे नहीं होती, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी सिर्फ वैल्यू होती है. एंड जो उसकी डायरेक्शन है वो हमने देनी होती है ऑब्जर्वेशन से, देख के, नॉलेज से. तो अच्छा ये बताओ की वन की वैल्यू हम कितनी ले लें, वन कूलम. दूसरे वाले की भी कितनी लें, वन कूलम. प्लस वन भी वन ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा. और डिस्टेंस वन एंगस्ट्रॉम है, वन एंगस्ट्रॉम याद रखो कितना होता है, 10⁻¹⁰ मीटर्स. याद है सबको कि नहीं? अगर नहीं याद है तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ. हाँ बोलो सर. कुछ पूछा तुमने? याद है सर वैल्यू. ओके, जिसको भी नहीं याद है वो यहाँ से याद कर लेगा. वन माइक्रोमीटर कितना होता है बोलो, वन नैनोमीटर कितना होता है बोलो, मतलब माइक्रो मिनी और नैनो और पिको, ये तीन तीन के टर्म्स में आगे बढ़ते हैं, माइनस में भी हैं और
यहाँ पे पिको में कितना हो जाएगा, -12 मीटर। ये क्या है, माइक्रो, सबसे पहला क्या है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम एक अलग से याद रखना, 10^-10 मीटर। और 1 फर्मी या फेमटोमीटर जो है वो सिखाया था तुम्हें पहली क्लास में, -15 मीटर्स। इतने याद रखने, ज्यादा नहीं है। एंड मैं जो पूछ रहा हूँ उसका फिर से ध्यान देना है, आर की वैल्यू कितनी थी, इसको वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ये ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, न्यूटन। बताओ ये वैल्यू बड़ी है या जो पहला वाला आंसर आया था वो, विच वैल्यू इज मोर। ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है ना, दैट इज वेरी वेरी हाई वैल्यू। क्यों ये बड़ी वैल्यू है पता है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, तो डिस्टेंस जितनी हम ज्यादा करेंगे उतनी वैल्यू फोर्स की कम होगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम आर की वैल्यू कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, यस और नो। चार्जेस में फर्क नहीं किया, यहाँ 1 कूलम 1 कूलम लिया, यहाँ पे तो चार्ज ज्यादा भी लिया था, 1 था 1 2 था, ये अलग बात है, वो अपोज कर रहे थे, और ये वाले दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे अट्रैक्ट करेंगे, देखो -1 कूलम और +1 कूलम के दो चार्जेस हैं, डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, इनवर्ड, अंदर की तरफ खींचेंगे, तो अट्रैक्शन होगा इनके बीच, अट्रैक्शन फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड अलोंग द लाइन, ठीक है। बस इतना मैग्नीट्यूड लिखना होता है, प्लस माइनस में आंसर नहीं देना है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, फोर्स की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर लीजिए ना प्लीज। ओके थैंक यू सर, हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये दोनों फॉर्मूले जो है तुमको याद करा दिए मैंने, इस पे क्वेश्चन भी करा दिया। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस या ड्यू टू द चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, स्टेट की वजह से होता है। कोई भी चीज अगर स्टैटिक है, अपनी जगह पे है, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से भी होती है, बिकॉज अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रही है, तो हम अर्थ से बंधे हुए हैं, हम अपने मन से अर्थ के ऊपर उड़ नहीं सकते, नहीं जा सकते, बिकॉज अर्थ ने हमको खींच के रखा है। दैट मीन्स अवर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, अर्थ ने हमें अपनी तरफ खींच के रखा है। जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उनकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, उनकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी उनकी नेगेटिव हो जाती है, और जब दो चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर मैं एक चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखता हूं इससे, नेगेटिव चार्ज को, तो बताओ इन दोनों के बीच की एनर्जी कितनी होगी, बोलो, जीरो, जीरो। लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज को इस तरफ लाने लगूं, तो जैसे इन्फिनिटी से आगे बढ़ूंगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा अपनी तरफ, बोलो, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ रखा, ये इधर ला रहा हूं मैं, इधर आया और आया, जितना मैं पास लाऊंगा उतना ये इसको क्या करता रहेगा, अट्रैक्ट करता रहेगा, और पास और पास। मान लो यहाँ पे ला करके मैंने छोड़ दिया इसको, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इस आर डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। क्या जनरेट हो जाएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ये और ये एक दूसरे से, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आर डिस्टेंस पे रखे हुए, इनके बीच क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पे था तो वैल्यू थी एनर्जी की जीरो,
लेकिन एक आर डिस्टेंस पे आकर के एक पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच आ गई। जो एनर्जी है ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी एक वैल्यू होती है सिर्फ, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। मतलब ये तो एनर्जी बता रहा है ना, जैसे तुमने बहुत खाना खा लिया तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई, उसमें डायरेक्शन नहीं बताओगे ना कि मेरी एक्स डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ गई है, ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई ना तुम्हारी। अब उस एक्स डायरेक्शन से अगर तुम पंच करते हो किसी चीज पे, तो बोला जाएगा कि इस पे तुमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो डायरेक्शन अलग है। लेकिन जो तुम्हारी एनर्जी है वो एक मैग्नीट्यूडनल थिंग है, वो एक क्वांटिटी है, वो कम होती है या ज्यादा होती है उसकी डायरेक्शन नहीं होती। ये नहीं बताते हैं कि मेरी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ी है, मेरी साउथ में बढ़ी है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अगर तुम चल के जाओगे, मान लो तुम 1 किलोमीटर नॉर्थ में गए, तो ये बताना पड़ेगा कि तुमने नॉर्थ में डिस्टेंस इतनी कवर की है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इतना हुआ है। तो डिस्टेंस जो है वो, जैसे कि जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें बनाई हुई हैं, ह्यूमन मेड हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ये समझना है तुम्हें। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन इट, धीरे धीरे सब चीजें पढ़ने को मिलेंगी तुम्हें। अच्छा, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर, उसका फॉर्मूला याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के, वही वाला के जो ऊपर था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। यहाँ R स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ R होता है। ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा तुम्हें फिर से। PE मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें जो है Q1 एंड Q2 उनको साइन के साथ रखना है, विद साइन। कैसे रखना है, विद साइन। अगर विद साइन रखोगे तो बताओ, इफ चार्जेज आर सेम तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, सोच के बताओ। अगर चार्जेस सेम है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा, समझ में आ रहा है। और अगर चार्जेस अपोजिट है तो, अभी इसको और भी समझाऊंगा, अगर चार्जेस अपोजिट है देन पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। अच्छा, अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो फोर्स कैसा लगेगा, बोलो, अट्रैक्शन का। और अगर सेम है तो कैसा लगेगा, बोलो। हाँ, मतलब जब लाइक चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस होंगे, तो उनके बीच रिपल्सन होगा, और जब दो चीजों के बीच रिपल्सन होता है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, उनके बीच की एनर्जी बढ़ जाती है, उनके बीच में जो है बनती नहीं है, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूर जाना चाहते हैं, उनकी एनर्जी बहुत बढ़ती है। लेकिन जब दो चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो नेगेटिव हो जाती है, वो एक दूसरे के पास आसानी से रह सकते हैं, उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो कम हो जाती है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक थंब रूल याद रखना कि दुनिया में कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बताओ एनर्जी क्या होगी, बोलो। अरे बोलो, कम होगी, कम होगी। जैसे इसको ऐसे समझो, एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। एक बच्चा है 10 साल का और एक ग्रैंडपा है, एक दादाजी हैं 70 साल के, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है बताओ, बोलो जल्दी। बच्चे की सर। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दादाजी ज्यादा स्टेबल होंगे या बच्चा ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल मतलब चंचल, दौड़ने फिरने वाला, इधर उधर घूमने वाला। तो जो बच्चा होता है ना वो सब कहीं घूमते रहता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो क्या कहता है ना, वो खाते पीते रहता है जो भी मिलता है उसको, है ना। दादाजी क्या होते हैं कि टाइम के साथ खाते हैं कि भाई सुबह में ब्रेकफास्ट किया, अब जो है लंच इतने बजे करना है। तो वो एक एज के हिसाब से होता है। तो फिर क्या है कि उनकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल है। अब सुबह में जहाँ पे बैठ गए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वो स्टेबल है, उनको वहीं पे पाओगे। तुम्हें पता रहेगा कि 5 बजे, तुम्हें पता रहता है कि 5 बजे यहाँ पे दादाजी हैं या जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो यहाँ पे। बच्चे का कोई अता पता नहीं है, इधर भी खेलता है वो। उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, स्टेबल नहीं है वो, कभी यहाँ तो कभी वहां। सेम यहाँ पे भी लगाना है, कभी भी एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी किसी भी नेचुरल थिंग की, और उसकी अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे याद रखना तुम।
और ये तुम्हें काम आएगा आगे। चलो अब हमने फॉर्मूला तुम्हें बता दिया है, सब कुछ बता दिया। अब इस पे क्वेश्चन जो है कराने से पहले मैं तुमसे केसेस पूछ लेता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये मैंने ऐसे लिखना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है। बताओ इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? नेगेटिव। मान लो वैल्यू भी दे दी, इसकी प्लस वन कूलॉम, इसकी माइनस टू कूलॉम, और आर की वैल्यू भी दे दी 1 सेंटीमीटर, फॉर्मूला निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के क्यू वन कितना है अभी डाल देंगे, आर जो है वो भी डाल देंगे, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ विद साइन डालना है इसमें, विद साइन बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो प्लस वन डालना है तुम्हें विद साइन, और ये माइनस के साथ डालना है, और आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, 9 × 2 × 10⁹ 10^2 ऊपर चला जाएगा, 18 × 10⁻¹ और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। बताओ यूनिट क्या आएगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है एमकेएस में? जूल, जूल होती है, तो जूल लिख लो, जूल्स भी उसको बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतने जूल एनर्जी आएगी, जे से लिखते हैं, सिर्फ जे भी लिखा जाता है लाइक दिस। अभी बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, साइन नेगेटिव होगा ना? यस यस, सॉरी सॉरी, साइन में भूल गया, ये जो साइन है वो आना चाहिए, इफ साइन इज नॉट देयर देन द आंसर इज रॉन्ग, ओके, डोंट फॉरगेट टू यूज द साइन, विद साइन आंसर आएगा इसका, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी कहीं कहीं पे, इसका मतलब जो चार्जेस उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स? अट्रैक्शन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से नोट करो, फिर मैं तुम्हें इसको नोट करने के बाद में एक पॉजिटिव वाला भी मैं तुम्हें ट्राई करूंगा बताने का, ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो, अगर अच्छा दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी सर। अच्छा मैं अब तुमसे पूछता हूँ, एक मेरे पास चार्ज रखा है यहाँ पे नेगेटिव, एक इन्फिनिटी पे नेगेटिव चार्ज है, अभी एनर्जी कितनी है? जीरो है ना? जीरो। मैं इन्फिनिटी से उसको ला रहा हूँ तो मेरे पास जो चार्ज है वो उसको धक्का लगाएगा कि नहीं? दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और इसको पास लाने के लिए किसको काम करना पड़ेगा? ऑब्जर्वर को करना पड़ेगा कि नहीं? धक्का मार के लाएगा वो, मेहनत करके लाएगा, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं। ये सुनो, इफ द इनका रिपेलिंग और तुम्हें उनको पास लाना है तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तुम्हें? यू हैव टू डू द वर्क, तब वो पास आएंगे, और जब तुम काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी सिस्टम को तुमने प्रोवाइड करी है, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए हुए वो इन्फिनिटी पे ही रहते, आपस में कभी पास नहीं आते। तो अगर दो चीजों जिनके चार्जेस सेम हैं उनको पास में लाना है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, जो ऑब्जर्वर है जैसे हम हैं हमको वो काम करना पड़ेगा, ये एक समझाने के लिए बताया जाता है। तुम तो कभी चार्ज उठा के लाते नहीं, वो तो पहले से अपने पास रखे होते हैं। जब भी दो चार्जेस पास पास रखते हैं, अगर उनके पास अपोजिट चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। आई थिंक ये नोट किया है तुमने, कुछ बचा है इसमें? यस सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इफ नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज है दोनों तो क्या होगा? मान लो ये है प्लस 1.5 कूलम, ये प्लस 2.5 कूलम है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस, ये 2.5 थोड़ा ज्यादा ही तुम्हें महंगा पड़ जाएगा कैलकुलेशन में, और आर जो है वो है 1 माइक्रोमीटर, ये आर, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब ये 1.5 क्यों लिख दिया, इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना वो इतना है, काफी छोटा है, 1.5 कूलम के लिए देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना,
समझ में आया कि नहीं? अगर मैं प्लस 1.5 ई लिखता तो गलत होता ना, मैंने तो कूलम के फॉर्म में लिखा है, कूलम इज ए लार्ज क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी, ये एक बिग क्वांटिटी है। जैसे ये ऐसा है, जैसे किसी ने बोला कि ये एक डिब्बा है, एक बॉक्स, इसमें 100 चॉकलेट है, तो एक हाफ बॉक्स है उसमें कितनी चॉकलेट होंगी, 150 चॉकलेट पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल? 1.5 बॉक्स तो पॉसिबल है ना बच्चे, ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या? वो ई के फॉर्म में नहीं है, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। अगर तुम्हें पता करना हो कि टोटल चार्ज और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है क्यू इजकल टू एनी, चार्ज इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, दैट मीन्स कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल जाएगा। तो चार्ज जो है वो अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें से लूज हुए हैं वो निकल जाएगा, क्यू की वैल्यू हम डाल देंगे 1.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, मैग्नीट्यूड डालो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे, क्या ये एक नंबर नहीं आएगा क्या, यस और नो सर? नंबर, इट विल बी नंबर और नॉट, क्योंकि माइनस प्लस 19 पावर्स हो गई, सो देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन सी हियर। अभी समझ में आया ना कॉन्सेप्ट क्या है? तो कूलम में प्लस 1.5 पॉसिबल है, ई के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे याद रख लो। अभी इसमें आंसर बताओ क्या आएगा, हो गया सॉल्व कर लोगे? देख लो यही आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस थे, तो ये प्लस वैल्यू आएगी। इसको भी नोट करें, इसके बाद क्लास भी होगी ना इसके बाद? नहीं सर, ये आखिरी क्लास में। ओके चलो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखा देता हूँ, देखना उसमें कैसे काम किया गया है। पहले इसको नोट करो, बोलो प्लस 1.5 कूलम इज पॉसिबल। अभी तुम्हें समझा दिया इसे, है ना, कूलम्स में कोई दिक्कत नहीं है, ई के फॉर्म में 1.5 ही नहीं हो सकता है। कूलम इज ए वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, इट्स अ लार्ज नंबर। ओके बताओ, हाँ अभी तक जो पढ़ाया है उसको याद कर पाओगे? थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा घर में सर। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उसको कूलम में गिनते, मतलब 1.5 कूलम का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई 1.5 आता है ना, वैसे ये 1.5 कूलम है ना, जो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। अगर हमें पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है ना, मतलब जो जिस भी चीज पे चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, यस और नो? तभी तो सर। तो अगर तुम्हें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से इतना चार्ज आएगा, तो फॉर्मूला है क्यू इजिकल टू एनी, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज, यस और नो? सिंपल, हाँ। तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले ऑलमोस्ट, जो है अगर इनको ऑलमोस्ट बराबर मान लें तब भी 10^19 के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिलियंस और ट्रिलियंस में है कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन्स, बोलो? यस सर। तो इतने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इलेक्ट्रॉन्स उनको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो कूलम है वो एक बड़ी वैल्यू है, वो 1.5 कूलम, 2.5 कूलम हो सकती है। जैसे एक चॉकलेट को तो काट नहीं सकते, लेकिन चॉकलेट का बॉक्स जो है पूरा बड़ा वाला, उसको तो आधा कर सकते हैं ना सर। 50 चॉकलेट आ सकती तो बोलेंगे हाफ बॉक्स चॉकलेट, चॉकलेट को नहीं बांट सकते, लेकिन पूरा बड़ा वाला बॉक्स तो बांट सकता है। तो ये नोट हो गया है, तो मैं बताओ एक वीडियो तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूँ, और तुम लोग एक इसको याद रख पाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है? अभी दिखा देता हूँ, रुको।
बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक बच्चे वाला दिखा देता हूं तुम्हें, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये जो है वन ग्राफ, वन डी ग्राफ वाले को पकड़ेगा। देखो तो तुम्हें दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है सर? ये पहले बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। ये बच्चा है, इसके इस तरीके के स्ट्रेट हेयर्स हैं, और ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे एक तुम्हें दिख रहा होगा स्फीयर दिख रहा होगा, इधर मेटल स्फीयर है ना राइट में, जिस पे लिखा है वन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, उसको टच करेगा। तो उसका हेयर रेज हो जाएगा ना? हाँ ये रेज होगा धीरे धीरे। देखो पहले ये देख लो, ये कैसे, ये इस जगह पे बैटरी लगी हुई है, और ये बैटरी इस बल्ब पे पॉजिटिव चार्ज दे रही है। क्या दे रही है? स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब ये बच्चा इसको टच करेगा तो ये चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, और इसके जो बाल हैं, जो इसके हेयर्स हैं, उन पे इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, और वो चार्ज क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेम चार्ज होगा, और उस चार्ज के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से चार्ज, चार्ज जो हेयर हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे कि पास आएंगे, बोलो जल्दी। दूर जाएंगे। तो बस देखो फिर क्या होगा, यही है ये वीडियो, बस इतना ही था। देख लिया तो समझ गए होगे तुम लोग किस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा ये तो घर में नहीं कर सकते हो ये सब चीज, दूसरी चीज एक जो है वो घर में ट्राई कर सकते हो, उसको भी दिखा देता हूँ, कभी ट्राई कर सकते हो, अभी जरूरी नहीं कि आज ही कर लो, ध्यान से देखना। अभी तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, मेरी क्लास है वैसे 7:30 से, बट आई विल शो यू कि कैसे होता है। देखो एक बलून जो होता है, बलून है ना, बलून जो है वो एक रबरी मटेरियल का है, तो रबरी मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर सकते हैं हेयर से, जैसे कॉम्ब हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें। तो जब मैं एक बलून को अपने हैंड से रब करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद क्या होता है इस वीडियो में देखना। You're going to take the balloon that just flew up, and you're going to wave it a couple inches under the top of my daughter's head. And you can see that nothing happened. On my sweater, back and forth, a handful of times. And then, when I rub it over the top of my daughter's hair, look what happens. As you can see, the balloon is making my daughter's hair stand on end. Watch what happens when I move it around. Why the balloon caused my daughter's hair to stand on end? Leave a comment below to submit your guess and visit coolscienceexperimentheadquarters.com to find out the answer. You'll be able to print out instructions for this experiment
तो देखा तुम लोगों ने यहाँ पे भी जो इंडक्शन ऑफ चार्ज है उसका यहाँ पे यूज किया गया है, और रेस्ट जो है वो तुम लोग हनी कॉम, वो जो कॉम वाला एक्सपेरिमेंट है घर में खुद से करके देख लोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। कॉम को एक रब करना, छोटे छोटे टुकड़े काटना और उसको अट्रैक्ट करके देख लेना, दैट्स इट। ठीक है, एंड करें अभी लेक्चर को, ये रिवाइज करके आना थोड़ा जो पढ़ाया आज। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ चलो, बाय बाय।